देखो बाइसेप हर एक बिगिनर का फेवरेट मसल ग्रुप होता है और हर कोई जिम में जाके अपनी बाइसेप मसल को ही बनाना चाहता है। सबसे पहले गाइस ये मेरी पहले की बाइसेप की क्लिप देखो, इसने मेरा बाइसेप का साइज 10-11 इंच के आसपास ही होगा शायद। अगर आप भी मेरी तरह ऐसे स्किनी हो या आपका बाइसेप मसल उतना ग्रो नहीं हो रहा तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है मेरे भाई। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप बाइसेप की ये एक्सरसाइज लगाओ या वो एक्सरसाइज लगाओ तो आपकी बाइसेप ग्रो हो जाएगी, ये तो हर कोई बताता है यूट्यूब पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो बाइसेप मसल है वो ग्रो कैसे होता है और कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो जो बाइसेप मसल होता है ना उसे ग्रो होने में टाइम लगता है अदर मसल के मुकाबले, और 1 से 1.5 इंच बाइसेप को ग्रो होने में सालों लग जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक डाइट और ट्रेनिंग कैसा है। और जब तुम स्किनी होते हो शुरू वक्त से सही से डाइट फॉलो करते हो, वर्कआउट भी सही से करते हो और तुम्हारा जेनेटिक भी अगर अच्छी है तो देखना कुछ ही टाइम में तुम्हारा जो बाइसेप मसल है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। और एक चीज़ तुम नोटिस करना, जब तुम्हारा बाइसेप का साइज 14-15 के आसपास हो जाती है तो उस टाइम तुम्हारा बाइसेप पहले जैसा ग्रो नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा बॉडी उस टाइम प्लाटो हिट कर चुका होता है। या तो तुम्हें उस टाइम वर्कआउट स्प्लिट को चेंज करना होगा, नहीं तो तुम्हें डाइट में चेंजेस करनी पड़ेगी। नंबर वन, जब तुम बाइसेप की एक्सरसाइज लगाते हो तो कोशिश करो हर एक एक्सरसाइज को सही फॉर्म एंड फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाने की। जितनी भी तुम रैप लगाते हो कोशिश करो हर एक रैप को स्लो एंड कंट्रोल तरीके से लगाने की। और लास्ट में तुम ड्रॉप एंड सुपर सेट जरूर लगाओ, वो भी फेलियर तक, क्योंकि ये सुपर सेट ही तुम्हारे बाइसेप को फट के बाहर निकल के ले आएगी। और मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें बाइसेप में बिटवीन सेट कितना मिनट रेस्ट लेना चाहिए। देखो बाइसेप एक छोटा मसल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट रेस्ट लो, उससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देने की। फॉर एग्जांपल अगर तुम 10 kg से बारबेल कर्ल 10 रैप लगा रहे हो तो कोशिश करो अगले हफ्ते 12 kg से 12 रैप लगाने की, या तो वो 10 kg से 12 या 15 रैप लगाने की कोशिश करो। और तुम अपनी बाइसेप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करो, एक दिन जिस दिन तुम बैक वर्कआउट करते हो, क्योंकि बैक के दिन आप जितनी भी एक्सरसाइज लगाते हो हर एक एक्सरसाइज में तुम्हारी बाइसेप इन्वॉल्व होती है। तो तुम बैक के साथ बाइसेप की सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगाओ के लाइक हैमर कर्ल, प्रेशर कर्ल, बारबेल कर्ल्स, डंबल कर्ल्स, सो ऑन। और एक दिन तुम अपनी बाइसेप को पूरा ट्रेन करो तो तुम अपने वर्कआउट को कुछ ऐसे डिजाइन करो तुम्हारा बाइसेप हफ्ते में 2 दिन रहे। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि उस दिन आपको कौन सी एक्सरसाइज लगाना है तो ये वाला एक्सरसाइज तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हो गई वर्कआउट की बात। देखो तुम्हारा बाइसेप का साइज तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक तुम कैलोरी सरप्लस में नहीं खाओगे। चाहे तुम जितने भी कोशिश कर लो, अगर तुम कैलोरी सरप्लस में नहीं हो तो तुम्हारा बाइसेप का साइज इंक्रीज नहीं होगा। तो तुम शुरुआत में अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरी सरप्लस में खाओ और तुम्हारा टोटल कैलोरीज में से 50% आएगा कार्बोहाइड्रेट से, 30% आएगा प्रोटीन से और 20% आएगा फैट से। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बाइसेप लगाते हुए। नंबर वन, आप बाइसेप एक्सरसाइज लगाते हुए आप बहुत ज़्यादा मूव करते हो, आपको उतना ज़्यादा मूव नहीं करना। हाँ, आप लास्ट में 2 या 3 रैप चीट कर सकते हो, लेकिन हर एक रैप को ऐसे झुक के लगाना सही नहीं होता। तो ये तुम ठीक करने की कोशिश करो अगर तुम ऐसे झुक के बाइसेप को ट्रेन करते हो। आई एम श्योर जब तुम फुल रेंज ऑफ मोशन में या सही फॉर्म में अपनी बाइसेप को ट्रेन करोगे जरूर तुम्हारा बाइसेप ग्रो होगा। नंबर 2, लैक ऑफ वेरिएशन। तुम क्या करते हो कि सेम टाइप की एक्सरसाइज को लगाते हो, जैसे अगर तुम बारबेल कर्ल्स लगा रहे हो तो फिर जाके तुम डंबल कर्ल्स लगाते हो, ये दोनों एक्सरसाइज सेम मूवमेंट होती है, तो ये सेम मूवमेंट वाला एक्सरसाइज तुम्हें नहीं लगाना। तो तुम कोशिश करो अपने मसल को डिफरेंस एंगल से ट्रेन करने की। इनसफिशिएंट रिकवरी। देखो तुम्हारा मसल तब ग्रो होते हैं जब तुम उसे सही से रेस्ट देते हो, तुम सही से डाइट लेते हो, अपने प्रोटीन इंटेक को सही रखते हो। तो तुम जब बाइसेप को ट्रेन करते हो एंड जब दूसरी बार तब अपने बाइसेप को ट्रेन करोगे तो बीच में एटलीस्ट 48 आवर्स रेस्ट टाइम जरूर रखो। तो ये थी कुछ पॉइंट जो अगर आप शुरुआत से ध्यान में रखते हो आई एम श्योर तुम्हारा बाइसेप बहुत ही जल्दी ग्रो होगा। और तुम्हारे मन में अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें रिप्लाई देने की। एंड आज का वीडियो मेरा यहीं पर खत्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए अभी बोला।